ABPS News। किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गांववासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गांववासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गांव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में स्थित गांव रनिया ठेर पड़ा। यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 15 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सत्यपाल सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, नाली, खडंजा तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा कुछ और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। इसी के साथ ही गांव में जगह जगह ठंडे पानी की टंकी भी लगवाई गई है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइट भी लगवाई गई है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट के निर्माण की मांग राज्य पे केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर न मिलने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। मेरा नाम है सतपाल सिंह, ग्राम प्रधान का मैं ग्राम पंचायत रनिया ठेर का रहने वाला निवासी हूँ। मेरा ब्लॉक मुंडा पांडे है और मेरा जिला मुरादाबाद है। मैंने नाली और खरंजन के निर्माण भी कराए हैं और शौचालय भी इतने बनवाए हैं। अभी और शौचालयों की कुछ आवश्यकता है। और हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र और शमशान घाट की ज़्यादा आवश्यकता है। और एक नाला है 900 मीटर, उसमें जो है कोसी नदी ने उसे पाट रखा है, वो उसको जो है हम 1200 बीघे में जो है जल नहीं निकल पाता है तो उसे खुदवाना चाहते हैं। और नर की आवश्यकता है, कुछ नर भी मिलने चाहिए। और यहाँ का रोड जितने है अभी और बाकी भी हैं बनने के लिए, कुछ बन भी चुके हैं।